सुशांत की आंख पर मुक्के मारे गए थे। ऑटोप्सी स्टाफ ने कहा कि उद्धव सरकार पर भरोसा नहीं था, इसीलिए सामने आया। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में कूपर हॉस्पिटल के ऑटोप्सी स्टाफ ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने बताया है कि जब सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था तो उनकी आंख पर ऐसे निशान थे जैसे उन्हें किसी ने कई मुक्के मारे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की पिछली सरकार उद्धव पर भी सवाल उठाए थे। बड़ी अपडेट आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं उस समय टीम का हिस्सा था जिसने सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। मैंने देखा था कि उन्हें बहुत चोटें थी, उनकी कई हड्डियां टूटी थी। तब मैं मीडिया के सामने नहीं आ पाया क्योंकि उस समय की उद्धव सरकार पर मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन अब सरकार बदल गई है तो मैं सच बताना चाहता हूं। मुझे अब अपनी जान की परवाह नहीं है, सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। सोमवार को रूप कुमार ने किया सुशांत की हत्या होने का दावा। 26 दिसंबर को पहली बार सामने आया, बताया कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उनका मर्डर हुआ था। उनके निधन के वक्त हमें कूपर हॉस्पिटल में 5 बॉडीज मिली थी। हमें बताया गया था कि इनमें से एक बॉडी VIP की है। जब हम पोस्टमार्टम करने गए तो पता चला ये बॉडी सुशांत सिंह राजपूत की है। तब हमने देखा था कि सुशांत की बॉडी पर काफी निशान थे, चोट के गर्दन पर 2-3 चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी लेकिन बड़े अधिकारियों को सिर्फ फोटो लेने की इजाजत मिली, इसीलिए हम लोगों ने भी आदेश का पालन किया। रूप कुमार ने यह भी बताया कि जब उन्होंने पहली बार सुशांत की बॉडी देखी तो सीनियर्स को तुरंत बताया कि ये सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है, हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। तब सीनियर्स ने कहा कि बाद में बात करेंगे और जल्द से जल्द बॉडी के पिक्चर्स क्लिक करने और पुलिस को बॉडी देने की बात कही, इसलिए हमने पोस्टमार्टम रात में कर दिया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम में क्या लिखना है ये डॉक्टर का काम है, लेकिन सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। सुशांत की तस्वीरें देखकर कोई भी कह सकता है कि उनका मर्डर हुआ है। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुझे कॉल करेगी तो मैं उन्हें भी यही बात कहूँगा। सुशांत की मौत कोई साधारण आत्महत्या नहीं थी, ये बात कही है उन्होंने। दोस्तों 14 जून 2020 को अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे और रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हुई थी। पहली नज़र में ये मामला सुसाइड का लगा लेकिन बाद में पता चला ये मामला सुसाइड का नहीं था। फिलहाल इसमें इनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती बुरी तरह फंसी थी लेकिन अब वे भी छूट गई हैं। क्या कहेंगे इस पर, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।